हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 83 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है। जो लोग पटना से हैं, BSC एकेडमी राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच में जाके इसकी डिटेल ले सकते हैं, और जिन लोगों को मैथ्स और अपना इनरिच करना है, इस टेस्ट का पार्ट बन के एक बार देख सकते हैं। सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है। क्या बोल रखा है सवाल में, ए बी सी आर थ्री मशीन्स, ठीक है। ए बी सी जो है तीन मशीन्स हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाए। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बी सी इज 3:4:5। एक्चुअली देखो, यहाँ पे सबसे पहले समझना ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक है। समझना क्या है हम लोगों को यहाँ पे कि दिए हुए क्या क्या है, ठीक है। दे रखा है हमारा कि ए बी और सी का प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट क्या है, 3:4:5, ठीक है। फिर बोल रखा है कि ए 3:, सबसे पहले 3:4:5 क्या, यानी कि उसकी इफिशियंसी को इंडिकेट कर रहा है कि ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 4 है और सी की कितनी है, 5, इन द रेस टर्म्स ऑफ रेशियो, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए वर्क फॉर 6 डेज, ए 6 दिन तक काम करता है। बी वर्क फॉर 8 डेज, बी 8 दिनों तक काम कर सकता है। सी वर्क फॉर 10 डेज, सी 10 दिन तक काम करता है। और इसी तरीके से जब काम होता है, दे टुगेदर दे मैनेज टू प्रोड्यूस 400 चिप्स। जब इस तरीके से अपने 3 के एफिशिएंसी से 6 दिनों तक काम किया, 4 के एफिशिएंसी से 8 दिनों तक काम किया, 5 के एफिशिएंसी से 10 दिनों तक काम किया, तो उन लोगों ने कितने चिप्स बनाए, 400 चिप्स, यानी काम आपको मालूम हो गया, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी चिप्स वुड दे हैव प्रोड्यूस, ठीक है, उन लोगों ने कितना चिप्स प्रोड्यूस किया होगा इन द सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड में एज बिफोर, इफ एज रेट इज डबल, ए का रेट क्या कर दिया जाए, डबल, यानी ए का 3 था तो अब 6 कर दिया जाए, बी का रेट ट्रिपल कर दिया जाए, 4 था तो 12 कर दिया जाए, सी का रेट बिकम 1/2, सी 1/2 कर दिया, यानी 5 था तो 2.5 कर दिया, ठीक। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, कोई एक ग्रुप जिसकी इफिशियंसी 1 से मैंने इंडिकेट किया, जिसकी टाइम T1 है, तो इक्वल टू हमें क्या देगा, टोटल वर्क 1, ठीक है। इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो इफिशियंसी 1 गुना में T1 बटा में क्या, टोटल वर्क 1, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। जब 1 यूनिट इस तरीके से हुआ तो दूसरे ग्रुप का भी तो कुछ इसी तरीके से होगा, इफिशियंसी 2 इंटू टाइम 2 और बटा में क्या, टोटल वर्क 2, ठीक है, और इक्वल टू वहां पे हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ये 1 यूनिट जो है इस 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, इफिशियंसी 1 इंटू टाइम 1 बटा में टोटल वर्क 1 इज इक्वल टू इफिशियंसी 2 इंटू टाइम 2 और बटा में क्या, टोटल वर्क 2। तो कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग जानते हो मैन एम, ठीक है, इंटू एम 1 इंटू डी 1 इंटू एच 1 और बटा में वर्क 1, ठीक है, इज इक्वल टू एम 2 इंटू डी 2 इंटू एच 2 और बटा में क्या, वर्क 2, एम डी एच बटा में वर्क, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पहले से फेमिलियर हो इस चीज़ से, मैं जस्ट कुछ उसी को अपडेट करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। मैन, डे, आवर, अगर आवर इंक्लूड है तो ठीक, नहीं आवर इंक्लूड है तो आवर को मैं इग्नोर कर दूंगा। मैन इंटू डे बटा में क्या, वर्क, मैन इंटू डे बटा में क्या, वर्क, मैन से यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसी बेसिस पे ना हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को। सबसे पहले हमें क्या बोला, हम लोग इफिशियंसी ना ए का 3 ही बोल दे रहे हैं, बी का 4 बोल दे रहे हैं, सी का 5 बोल दे रहे हैं, क्योंकि एक्स लेंगे तो सारा चीजें आपस में कट जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, ए 3 के इफिशियंसी से 6 दिनों तक काम किया, यानी 3 गुना क्या हो जा रहा है, 6, ठीक है। फिर प्लस बी 4 के इफिशियंसी से 8 दिनों तक काम किया, 4 गुना हमारा क्या हो जा रहा है, 8। फिर सी जो है 5 के इफिशियंसी से 10 दिनों तक काम किया, यानी 5 गुना क्या हो जा रहा है हमारा, 10, ठीक है। फिर बटा में, बटा जब मैंने कर दिया तो यहाँ पे मैंने बताया था इफिशियंसी इंटू टाइम मैंने कर दिया, बटा में टोटल वर्क 1, कितना उन लोगों ने चिप्स बनाया, 400 चिप्स, ठीक है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 400 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया था, दूसरे ग्रुप का क्या है कि वो इफिशियंसी जो है डबल हो जाता है, रेट क्या है, डबल, यानी कि 3 था तो ए का क्या हो जाएगा, 6, लेकिन काम उतना ही दिन करेगा, गुना 6, ठीक है। फिर प्लस बी का क्या हो जा रहा है, ट्रिपल, 4 था, 4 का ट्रिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और गुना में काम कितना दिन करेगा, 8 दिन, यानी कि गुना में 8। फिर आगे
पांच, सी का पांच था, कर देना था उसको वन हाफ, वन हाफ का मतलब क्या हो गया 5/2, और गुना काम कितना दिन कर रहा था 10 दिन, और इस तरीके से इसका टोटल वर्क कितना है एक्स है। हमसे यही निकालने के लिए बोला है कि ये ग्रुप जो है ये सेकेंड वाला इफिशियंसी जब बढ़ जा रहा है तो ये कितना चिप्स बनाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में बराबर, एसी को सॉल्व करके मुझे एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 6 3 18 8 4 32, 18 और 32 हमारा 50 हो जाएगा, 10 5 50 50 50 कितना 100 बटा में क्या हो गया हमारा 14, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 6 6 36, 12 8 96, 36 हो गया हमारा, 96 हो गया, ठीक है। और यहाँ से दो से मैं काट देता हूँ पांच बार में, 5 5 कितना 25, ठीक है। जब मैं इसे फर्दर ऐड करूँगा तो ये ऐड करके मुझे कितना देने वाला है 157, कितना देगा 157, और यही मैं यहाँ पे लिख दूंगा 157 अपॉन में एक्स, हो गया सॉल्व। यहाँ से 0 0 खत्म हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 157 इंटू 4, और यहाँ से 157 इंटू 4 कितना देगा 620। और इसी के साथ जो सेकंड ग्रुप था वो कितना चिप्स रेडी करेगा, 628 चिप्स एंड आंसर। होप आप लोगों को क्लियर होगा।